नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गुलमर्ग। हम श्रीनगर से सुबह 6:30 बजे निकल गए थे और 8:30 बजते 50 किलोमीटर का सफर तय कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। हमारी टैक्सी इस पार्किंग के आगे नहीं जा सकती और यदि आप पैदल नहीं चल पाते तो आपको यहां से लोकल टैक्सी या घोड़ा किराए पर लेना होगा। इसलिए पार्किंग पर पहुंचते ही आपको घोड़े वाले घेर लेते हैं। सामने मीडो के टॉप पर वो शिव मंदिर है जहां आपकी कसम फिल्म का सुपरहिट गाना शूट हुआ था। राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत आज भी रेडियो और टेलीविजन पर सुनाई और दिखाई देता है। गीत के बोल थे, जय जय शिव शंकर। गुलमर्ग का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ की गोंडोला या केबल कार राइड। तो ये है केबल कार स्टेशन, जो लकड़ी की बेहद खूबसूरत और ह्यूज बिल्डिंग है। टिकट खरीदने के लिए यहाँ पहुंचने का इंतजार न करें, क्योंकि भीड़ होने पर मायूसी हाथ लग सकती है। हम आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल केबल कार बोर्ड करते हैं। ये रोपवे दो फेज में है। पहला गुलमर्ग से कोंगडोरी, जिसका किराया है 800 रुपए, और दूसरा है कोंगडोरी से अफरवत। इसका किराया पहले फेज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको जाना होगा jammukashmircablecar.com पर। इसमें फेज वन के ऑप्शन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन बॉक्स से डेट और टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नाम, ईमेल और टेलीफोन नंबर भरकर पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट होते ही ईमेल पर आपको अपना टिकट मिल जाता है। दूसरे फेज के लिए आपको दोबारा यही सब करना होता है। तो ये है कोंगडोरी स्टेशन। यहां से मीडोज और पहाड़ों का बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता है। ये पहाड़ियां स्कीइंग के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छे स्लोप्स के लिए जानी जाती हैं। रोपवे स्टेशन से कोई 150 मीटर दूर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन खाने के बहुत ऑप्शन यहां आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपको प्रॉपर लंच करना हो तो ऐसे प्लान करें कि 1 या 1:30 बजे तक वापस घाटी तक पहुंच जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप सुबह 9 बजे वाला स्लॉट बुक करवाएंगे। और अब हम फेज टू यानी अफरवत टॉप के लिए बोर्ड कर रहे हैं। इस फेज में केबल कार पहले एक लंबे मैदान के ऊपर से होकर गुजरती है और उसके बाद शुरू होती है एक तीखी चढ़ाई। जून से अगस्त तक ये हरे मैदान रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरे होते हैं, और गुलमर्ग का अर्थ भी यही है, फूलों से भरा चरागाह। ऊपर की ओर चढ़ते ही आप अपनी आंखों से ट्री लाइन को खत्म होते हुए देख सकते हैं। दरअसल कोंगडोरी स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई है 8,500 फीट, और अब हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं। नवंबर से अप्रैल तक ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है, लेकिन बाकी महीनों में इसका टेरेन बहुत रगेट और डरावना दिखाई देता है। ऊंचाई से डरने वालों के लिए ये दूसरा फेज किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। ऊपर अक्सर बादल रहते हैं और मौसम कभी भी खराब हो जाता है। तो लीजिए, हम मीन सी लेवल से
14,000 फीट की हाइट पर पहुंचने वाले हैं। यहां हवाएं और भी तेज और ठंडी हो जाएंगी और तेज चलने पर सांस फूलने लगेगा। तो ये रहा पर्वत स्टेशन और यहां से दिखने वाला स्टनिंग व्यू। बर्फ वाले महीनों में यहां स्कीइंग का मजा लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहां सब कुछ पथरीला नजर आता है। यहां आपको चाय और कॉफी उसी भाव मिलेगी जिस भाव हवाई जहाज में मिलती है, लेकिन यहां चाय पीने का मजा कुछ और ही है। देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान इतनी टफ कंडीशंस में भी दिन रात सीमा की चौकसी करते हैं। तो 14,000 फीट की हाइट पर कुछ समय बिताने के बाद अब हम वापस लौट आए हैं। यहां से महाराजा पैलेस लगभग 3 किलोमीटर दूर है और एक लोकल जीप वाला हमें 700 रुपए में वहां ले जाने और वापस घाटी छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये पैलेस गुलमर्ग की एक पहाड़ी के टॉप पर घने जंगल के बीचों बीच खड़ा है। इसे बनवाया था आखिरी डोगरा राजा हरि सिंह ने। उन्होंने ऐसे महल पहलगाम और अनंतनाग में भी बनवाए थे, लेकिन उनके मुख्य महल थे जम्मू में, जिन्हें मुबारक मंडी और हरि निवास पैलेस के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में भी उनका आलीशान महल हुआ करता था। यूरोपियन शैली में बने इस पैलेस में पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। छत पर कश्मीरी खतमबंद शैली में की गई बेहतरीन नक्काशी और बेशकीमती फानूस देखकर आप पुराने दौर में चले जाते हैं। ये लिविंग रूम देखिए, यहाँ सब कुछ आलीशान है। वुडन वर्क देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे हाल ही में तैयार किया गया हो। इस महल में कुल 15 कमरे हैं। इन्हें गर्म रखने के लिए हर कमरे में एक फायरप्लेस है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद जब महाराजा हरि सिंह को अपनी रियासत छोड़नी पड़ी तो वे अपने महलों का फर्नीचर और अधिकतर सामान यूं ही छोड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब जम्मू कश्मीर छोड़ा तो वे अपने साथ 48 बड़े ट्रक भर कर ले गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन ट्रकों में कितना बेशकीमती सामान भरा होगा। और अब तलघर में चलते हैं। पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर उस जमाने में घोड़ों का अस्तबल था और इस अस्तबल में दुनिया के कुछ सबसे महंगे घोड़े हुआ करते थे। आज इसे एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। अभी दिन का सिर्फ एक बजा है और हमारे पास गुलमर्ग घाटी घूमने के लिए बहुत सा समय बचा है। गुलमर्ग में बहुत से होटल हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। किराया लगभग 6,000 रुपए से शुरू होता है। यदि आप ऑनलाइन होटल चेक करेंगे तो बजट में आने वाले अधिकतर होटल तंगमर्ग में दिखेंगे। हालांकि तंगमर्ग भी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन वहां से गुलमर्ग 14 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से गुलमर्ग सिर्फ 50 किलोमीटर है और श्रीनगर में रुकने के लिए हर तरह की एकोमोडेशन मिल जाती है। यदि आप हमारे बताए गए तरीके से प्लान करते हैं, यानी गुलमर्ग के लिए सुबह 6:30 बजे निकल जाते हैं और पहले स्लॉट में गोंडोला राइड बुक करवा लेते हैं, तो गुलमर्ग के लिए एक ही दिन काफी है।
हालांकि यदि आपको मीडोज बहुत पसंद हैं और आपकी जेब आपको अलाउ करती है तो यहां रुकना शानदार तजर्बा होगा। अब हम पार्किंग की ओर चलते हैं जिससे लगे बाजार में कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। लंच के बाद हम कुछ देर इन चरागाहों की घास पर लेटकर धूप सेकेंगे और शाम को वापस श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।